पहिला ज्यादा पाप पनि आउनु भएको छ। अहिले मान्य भएपछि त पहिला नजाने होला नि होइन। बधाई छ। नयाँ चिजको गीत निकाल्नु भएको छ मान्यज्यू भन्ने राम्रो छ। हेलो वेयर फ्रम? कुलेश्वर? म त क्रोएसिया भन्दैछु। हेलो केशवजी के छ? चलचित्र विकास बोर्ड को अध्यक्ष बनौला। अभिवादन छ साथीहरुलाई। भक्तपुर डुबाए भनेर कागज को डुंगा बनाएर पानी जहाज चलाउने मात्र आएका छन् कि बुद्धिजीवीहरू पनि आउँछ। ब्रह्माले पनि ताल तालका उत्पादनहरू गर्दा रहेछ। समानुपातिकबाट उत्पादन गरे कि प्रत्यक्षबाट उत्पादन गरे ब्रह्मा नै कन्फ्युजमा छन् होला। मान्छे पाटोपुटा हाँसिरहेको छ सलोटान्त। भानु जयन्तीको अवसरमा धेरैतिरबाट विदेशी साहित्यकार साथीहरू आएका छन्। त्यस्तो बेलामा मेरो इज्जत अलि ठुलो बनाउनु पर्छ है भनेर सम्झाएर लिएर आएको सलुटै नहाले बसेर। यो पनि ठुलो साहित्यकार, एकदमै ठुलो साहित्यकार। हिजो बिहान मात्रै मैले यसलाई भानुलाई चिन्छस् भनेको चिन्छु भन्नु। को हो त भानु? भनेको भक्त हो भन्छ। यस्तो ठुलो विद्वान हो। फेरि आज धेरै तल नगर्ने खुट्टो छिर्छ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा गएको सलुट हान्छ भनेको खुट्टो छिरेर दुईटा कुकुर मरेछ। त्यसमा पनि आन्दोलन सरकार निषेधाज्ञा तोडिन्छ भन्दै कुर्लिन्छ साथीहरू। यस्तो छ स्थिति। अब यहाँ 12 वर्ष रावण पढायो, भानुको पाहाड गर्का हो भनेर भन्छ अरे एउटाले। यहाँ पनि धेरै साथीहरूलाई त्यस्तै भएको हुनुपर्छ। सम्मेलन भन्या छ, कतिलाई सम्मेलन लागिरहेको होला। के हो त सम्मेलन? केटा र केटीको मिलन हो कि चक्रे मिलन भने हो कि ठुला ठुला साहित्यकार ठुला ठुला मान्छे आउने भन्ने हल्ला थियो। खोइ त सिक्किमबाट डाक्टर पवन चामलिङ आउने भन्ने सुनेको थिएँ। उता म्यानमारतिरबाट आङसङ सुकी, भुटानबाट जिङ्बे सिङ्बे वाङचुक। जिङ्बे सिङ्गे वाङचुक त होइन, सबै नुनचुक मात्रै आएको रहेछ। सल्लाहकारले गतिलो इन्फर्मेसन नदिएर रिपोर्ट गतिलो नदिएर जहाज डुब्नेवाला छ। गाला रोटकिने गरिहाल्छु। कानमा के फुसफुस गरे? गायत्री मन्त्र पढेछ। बार्सी धानको चामल, यो बार्सी धानको चामलको कुरा नगर। एकचोटि खाएको मासु नै निकाल्ला जस्तो भएछ। के भन्यो फेरि यता? साँच्चै हो? कसो बा कसो हो? अनि यो कसो त नखाऊ। कसोको ठेगानै भएन। घर घरमा ग्यास पुर्याउँछु भनेको थिएँ। ग्यास त घर घरमा पुग्यो, सरकारले चाहिँ होइन व्यक्तिगत पुर्यायो। त्यही भएर कसम नखाऊ। मैले कुरो बुझेँ, तपाईँ जानुहोस्। धेरै साथीहरूले प्रधानमन्त्री लोकसारवादी भयो भनेर भनिरहेको थियो। को के भएछ भन्ने कुरा अब एकछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्री सूचना नदिकन आउनुभएछ। घुँडा टेकेर धनगढीतिरबाट आउनुभयो कि फेरि जनकपुरबाट आउनुभयो। हेलो किधर है आप? किधर है? को मरो फेरि? अखंड नेपाल के ये कार्यक्रम में हिमवत खंड से आए हुए मेरे प्यारे लेडियो लड़ाओ भाइयों बहनों, कभी हो कभी नहीं हो। मैं एक दिन सत्य लोक पुगी गया, लोक को करो हित भणी। मैं सत्य लोक पुगी गया, लोक को करो हित भणी। भानु ताई थिया पर्या चरणमा के ना आयो भणी। मैंने जब अपना परिचय दिया तो आपके भानु जी ने व्यंग्य मारा। भानु ने कहा, एक घासी ने घास बेचकर कुआ खनायो, घासी ने घास बेचकर कुआ खनायो, लेकिन नेता ने कुआ को पानी में नुआर पानी गनाया। मित्रों, आज के इस सुंदर अवसर पे मैं हिंदुस्तान के तरफ से यही कहना चाहता हूँ, मेरे समकक्षी भी आगे हैं, उनको कहता हूँ, घासी दरिद्र घर को लेकिन बुद्धि कस्तो, घासी दरिद्र घर को लेकिन बुद्धि कस्तो, हम दोनों धनी भाई किना जेस्तो। मेरे नेपाल के प्यारे प्रधानमंत्री माननीय कोहली जी, शुरू में डूबा तो कोहली तले बधे तिमीलाई बधे हो, तो कोहली तिमीलाई नै बधे हुनुपर्छ, त्यो विराट कोहलीको भाइ जस्तो लाग्छ नि उलाई। अनि तपाई कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो छ, म कोहली चाहिए ओली जी, केपी शर्मा ओली, मोदी जी केपी शर्मा ओली, अगाडि कोबल ओली, यता केपी शर्मा ओली। मित्रों, आपके प्रधानमंत्री ज्यादा बोलते हैं, मेरा डायलॉग आता है। इन्होंने कहा कोहली नहीं ओली है, लेकिन मित्रों, हिंदुस्तान के कोहली हो या झापा के ओली, दिल्ली के गुजराल हो या नेपाल के गजुरेल, मुंबई के बच्चन हो या जोमसोम के शेरचन, हिंदुस्तान के मोदी हो या काठमांडू के माजी, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना हम ये नहीं जानते, मगर जी नहीं सकता, मगर जी नहीं सकता, मगर नहीं बिना, मगर जी नहीं सकता, मगर नहीं बिना, मगर नहीं बिना भनेपछि खाने पानी मन्त्रालयको मन्त्रीको पनि नाम कटेर छ त, मगर नि बिना बिना मगर, त्यही भन्न खोज्या होइन त, यसो पनि हुन सक्ला। हाम्रो मोदीजी त ज्योति मगरको फ्यान गर्नुभयो कि क्या हो, मगरको कुरा आएपछि त ज्योति। मैंने सुना था नेपाल में कहावत है कि काग ने अपना नाम काटता है। मित्रों, ना तो मैं ज्योति का फैन हूँ, ना तो मैं मगर का फैन हूँ, मैं ना तो ज्योति का फैन हूँ, ना तो मगर का एसी हूँ, मैं उससे भी बेसी हूँ, मैं नेपाल का फैन है, नेपाल के नानी, नेपाल के पानी और जवानी का फैन है। फैन तो है, तर यो नानी र पानी तो ठीक है, जवानी को कुरो चाहिँ जवानी को कुराले अलि पिरो छ, नानी र पानी त हामी दिन्छौँ, जवानी चाहिँ दिँदैनौँ, जवानी त हामीले खाडीमा बेचिसकेका छौँ, त्यतैको चिजले यहाँ देश चल्नु पर्या छ। देश कसरी चल्नु भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त त्यसैबाट चलेको छु नि त, त्यही भएर यो कुरा नगरौँ एकदम। आपने कहा ये सुन कांडे वाला मुझे भी सलट मारो, ठीक, सुन कांडे वाला नहीं है, नहीं है, ठीक है। मित्रों, आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी में जवानी बेच रहे हैं। जब मैं पहली बार काठमांडू में आया, मैंने सुना था नेपाल कृषि प्रधान देश है, लेकिन नेपाल के नौजवान खाड़ी की तरफ जा रहे थे तो मुझे लगा नेपाल कृषि प्रधान देश नहीं, नेपाल कामदार प्रधान देश बन गया। जिस दिन ये खाड़ी में काम करने पहुंचे हुए नौजवान नेपाल में लौटेंगे उसी दिन आपका समृद्धि का नारा ठीक होगा, नहीं तो मकई का होगा। ये बोली रहा था खे करे तारीख छोटी समृद्धि स्वाभिमान का कुरा करने, राष्ट्रभक्ति कुरा करने, समृद्धि का कुरा करने अर्काले हेपेर बोल्दा ताली पर्छ। फ्ल्याग हातेर नाकको डाडी फुटाइदिने जस्तो। मित्रों सुतेर आउँछ बजार जनता है जन्तु है ठीक है। तपाई अपरजट आइहाल्नुभयो, धेरै जनाले यहाँ लप्पसरवादी भो भन्थे, अपरजट आएपछि देखिहाल्नुभयो को लप्पसरवादी भो भन्ने कुरा। अपरजट आउनु भयो, यो अरुण तेस्रोले अलिकति मलाई डुबाउन खोजिरहेको जस्तो छ। अरुण तेस्रो सम्झौतामा विपक्षीहरूले अलिकति कुरा गडबड गडबड भनिरहेछन्, यसको लागि एउटा वान टु वान संवाद गरौँ, वार्ता गरौँ न हामी एकसाथ। मित्रों ये क्या बकबक कर रहा है, वार्ता ठीक है, ठीक आइए आइए वार्ता गरौँ। बसेर वार्ता गरौँ। बने दोस्तों यसरी त अलिकति टोयलेट बसे जस्तो भयो नि, अर्को स्टार्ट त बस ऐसा गरेको। ये स्टालले पनि सहमति जुट्दैन। मित्रों मुझे लगता है त्यसरी चीज खड़ा होकर नहीं हो सकता है, वन टू शो कर रोके पर पानी कहाँबाट यो हनुमन्ती खोला उर्लेर आएकै हो, चिसो चिसो भयो त गाठी। अरू तेस्रोको कुरा गरेको पानी नै छिरो। मोदीजी तपाईँले त्यो सारा नेपालका नदी नाला तपाईँकोतिर बग्न नदिएर बाँध बाँधेको कारणले नेपाल डुबिरहेको छ। मलाई यस्तै रिस उठाइरहने भने भयभरका नदी नाला म चाइनातिर फर्काइदिन्छु। चाइनातिर फर्काएपछि हेलो चुर्ना केही त होइन। धन्यवाद। भयभरका खोला नाला म चाइनातिर फर्काइदिन्छु यदि तपाईँले त्यो बात फुकाल्नुहुन्न भने। आपके प्रधानमंत्री ने कहा नेपाल की नदी उत्तरतिर फरका देंगे ही फरका देंगे। मित्रों आपने पहले कहा था चाइना से ले लेंगे, लेकिन आपने देख लिया, हमने देख लिया रिलेशन विथ चाइना आज है बोली चाइना। इसीलिए मैंने आपको कहता हूं, आपके प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, उसलाई भने हाथी को छावा देता है, उसलाई भने हाथी को छावा देता है, हमको भी कुखरा को अंडा भी नहीं देता। इसलिए मित्रों मैं कहता हूं लालू पाते नुकता है भूतीरा, लालू पाते नुकता है भूतीरा, किलाओ माया मातीरा, किलाओ उतीरा नलाओ दो तीरा। बोला याद आ रखे कुरा प्रश्न बताखे वन बेल्ट वन रोडले उहाँलाई जो आएको रहेछ लगभग टाइफाइड हुन लागेको रहेछ। सीतावन छ भने निकाल्नु दुई गोली दियो। तपाईँलाई तो वन बेल्ट वन रोडले पिरोलो जस्तो छ बोझी। नहीं मित्रों ऐसा नहीं होता है। आपने कहा वन बेल्ट वन रोड नेपाल को चाहिए, हिंदुस्तान को चाहिए, गलत बात है। क्योंकि बेल्ट जो है जो पॉइंट लगाता है उसको बेल्ट चाहिए, हिंदुस्तान हम लोग धोती लगाते हैं, आप लोग शुरुआत लगाते हैं, हम दोनों को बेल्ट नहीं चाहिए। इसीलिए ये बेल्ट का बात छोड़िए, हमारे तरफ मोड़िए। ऐसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो मित्रों मकई का होगा। रे बउआ, आज दूजे महामाइन का सातों लिने हो, बातों बसाई दिने हो। रे कहा था रे बाता? रे बाप रशियन कल्चर में, हम ही तो सोचे थे इंडियन कल्चर में। अरे मोदी जी ने आगे ज्योति बगर को कुरा कर रहे होते हो, तो तारा के मेहता की दया भाभी बोके रहा हूँ तुम्हें। ये उड़ान छुट्टी ने फेंक गए तो दया भाभी को पड़े। दया भाभी होए तो ये दादी, अरे दया भाभी होए तो। मित्रों, सावन में जिसका आँख फुटता है वो हरा देता है। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने दया को ले गया। मित्रों, मैंने माया को तो छोड़ दिया, दया कहाँ से लाता है। इसीलिए ये बहन देखने में लगती तो दया भाभी है, लेकिन दया भाभी नहीं, ये तो धुरमुसे की चाबी लगती है। ये धुरमुसे को चाबी तो सुंदरी नानी परिण करे। ये नानी तो 2 नंबर प्रदेश को हुलिया जस्तो देखिन्छ। अब तो हाम्रो धुरमुसे भन्ने केटो बस्ती बनाउन तराई झरिरहन्छ, कतै गडबड त गरे न। कलाकार है, बिगाड़ भी सकता है। दया की भाभी हो कि चाबी हो, बात कहू न। ए के बोले छ जठा भाभी? न हामी दया भाभी छौ, न धुरमुसे के चाबी छौ। हामी त पिल्लर छु, पिल्लर सीमाना के पिल्लर छु। ए सीमाना के पिल्लर? हाँ। जीवनाल हेर्दा त अंडा को डीलर जस्तो लाग्छ। हमारे कोली जी ने कहा ये अंडा के डीलर है। मित्रों, हिंदुस्तान के नजर से मैं देखूं तो ये ना तो पिल्लर है ना तो डीलर है, इनकी आंख से लगता है बहुत किलर है। क्या कहा आपने? किलर तो आप है, आप नाकाबंदी के किलर। हम तो न किलर है न डीलर है, हम तो गरीब दुखी असहाय सीमाना के पीड़ित नागरिक है। आपने ताली भड़काया, इसके बाद ताली लेना फिरता पड़ता है। इन्होंने कहा मैं सीमाना के जनता, ऐसा चिल्ला रही है कि लगता है इनका कपड़ा फट जाता है। इसलिए इनको पूछता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा चरका आवाज नहीं आता। आप नेपाली है कि हिंदुस्तानी है? दोनों है। राती सुतने बेला में नेपाल के हैं, बिहान उठने बेला भारत के हैं। आपके आदमी रात में आकर सीमाना यहाँ से 10 किलोमीटर उधर करता है। जब हम विरोध के आवाज लेकर आगे बढ़ता है तो वो गोली ठोकर मारता है। हम तो न घर का है न घाट का है। देखिए बहन जी, आपने जो गोही का आंसू झाड़ा है, मुझे पता है ये एक्टिंग कर रही है। इन्होंने कहा हमारे आदमी गोली मारता है। मित्रों, मुझे लग रहा है ये कंचनपुर का गोविंदा गौतम की बात कर रही है। उनको गोली हमारे आदमी ने नहीं मारा है, गोली तो बंदूक ने मारा है। यस्तो भयो के कुरा। अब तब यहाँ आने जो मैं नानी स्वीकार जो भो बच्ची मैं ये मिला भो कहीं छोटे इसो हो। तब तो केटा जाबो पिलर कचाल् पो? इंडिया में अरु उचालने चीज छेन। नेपाल को तो सीमा का पिलर मत उचाली पर्च, केटा अरु उचाल भन्न सकूँ। मित्रों, हिंदुस्तान में उचालने का चीज बहुत है, नेपाल में भी है, लेकिन उछालने में मजा पिलर में जैसा मजा और कुछ में नहीं है। क्या कहा आपने? क्या ये मजाक की बात है? मजाक लग रही है आपको? देखिए, ये तो सार्वभौमिकता का बात है। हम हमारा देश का पिलर पहला जात है, वही बनाना चाहते हैं। क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा आगे आगे मत आइए। ऐसा लग रही है अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर रही है। मित्रों, इन्होंने कहा आप मानते हैं। देखिए ओली प्रधानमंत्री जी, आपको लगता होगा ये सीमाना के नागरिक मेरे साथ गुस्सा कर रही है। ये असल में ये बहन जी सासू को कूटकर बुहारी को तरसा रही है। इसीलिए ऐसा बात हम नहीं मानते, क्योंकि अपने देश के सीमाना हर देश के आदमी को बराबर प्यार लगता है। अच्छा, आप नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते हैं, क्योंकि सीमाना स्वाधीनता का विषय है, राष्ट्रीयता का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है। खुला सीमाना के कारण आपका आदमी हमारा देश में घुसकर दिन रात लूटपीट करता है, चोरी डकैती करता है, मारता है। इसीलिए आप दोनों मिलकर आज अभी यही सीमा समस्या का समाधान करिए, नहीं तो हम सब मिलकर आंदोलन मचाएंगे। डॉक्टर गोविंद केसी का समर्थक पर इनकी क्या? बाबूराम भट्टराई का आदमी लगती है। तो विवेकशील साझा कि के भन्ने पार्टीको मिश्रले अहिले उचालिरहेछ अरे भन्ने सुनिरहेछु। आन्दोलन निषेधकै चोर्ने के भन्ने सुनिरहेछु भन्न त गजब भन्यो फेरि यो पिलरको कुरा त कम राम्रो गरे। उतै पिलर छ, यो चाहिँ जम्मू कश्मीरमा जन्मेर छ। जन्मिने बित्तिकै यो मान्छेलाई बाबाले युरिया बल खुवाइदियो। अलग्गै मुला गाजी यस्तो गाजीको खैर केही छैन। मोदीजी विषय अलिकति गंभीर भो, गणतंत्र आइसकेको फेरि अलिकति तलमाथि केही गर्न खोज्यो। विदेशी को दलाल भनेर फेरि कार्टुनहरू निकाल्न थाल्छन्, ट्रोल बनाउँछन्। यो सीमाको विषय हो न त, सामान्य विषय हो, अरू विषय जस्तो ठुलो विषय त होइन। यो ठुलो विषय थियो भने यी छलफल गरेर टुकाउनु हुन्थ्यो। यो सानो विषय भएकोले 5 स्टारमा नगइकन टुकिदिन्छ। ठीक है, हाततिर लाग्यो ल, हातमा गएर टुकिन्छु है, बस्ती गरेर ल, धन्यवाद। लागो हाततिर कता जाँदा पनि